नमस्कार, मेरा नाम आरव है। आप हिंदुस्तान कनेक्ट टीवी देख रहे हैं। हिंदुस्तान कनेक्ट टीवी पर आज हम बस्तर की खबरें दिखा रहे हैं। बस्तर की बात करते हैं तो आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के युवाओं ने पुलिस अधीक्षक जगदलपुर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि यहाँ की संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे इवेंट और ऑर्गेनाइज नहीं होने चाहिए। नववर्ष की हो रही तैयारियों के बीच ही युवाओं ने ज्ञापन दिया है, पुलिस अधीक्षक के नाम से दिया गया ज्ञापन। पुलिस एएसपी महेश्वर नाग को सौंपा ज्ञापन। साथ ही महेश्वर नाग ने बताया कि सभी जगह नाकों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए आगे की रिपोर्ट। नए साल में 31st नाइट में जो इवेंट कराए जाते हैं विभिन्न आयोजनों के द्वारा, तो उनको अपनी जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है इस बात को बताने के लिए बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिस पर समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे कोई इवेंट की अनुमति के लिए उनके पास अगर कोई आया है तो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। और नए साल को लेकर के पुलिस के द्वारा हर एक चौक पर फिक्स पॉइंट लगाया गया है, जो कि शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 1-2 बजे तक चलेगा। सेम इसी प्रकार कल सुबह से लेकर के कल रात तक में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी और फिक्स टिकट्स लगाए गए हैं, जो कि लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। पर्यटन स्थल में विशेष ध्यान दिया गया है, चित्रकूट, आपका तीरथगढ़, तीर्था, कुटुम्बसर, ये सब में विशेष ध्यान दिया गया। वहाँ पर ही पॉइंट्स लगाया गया कि कोई दुर्घटना ना हो। वहाँ पर SDRF की टीम भी तैनात की गई है, गोताखोर तैनात की गई है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लगातार इसका सुपरविजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उनमें ये दिखाया गया है कि वहाँ पर कहाँ का इवेंट है, तो यहाँ की परमिशन यहाँ के द्वारा शासन के द्वारा दी गई है या संबंधित इवेंट कर्ता के मालिक को थाने बुलाया जा रहा है, उनसे परमिशन की कॉपी मांगी जा रही है। यदि इनके द्वारा परमिशन लिया गया है कि नहीं लिया गया है, तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज ये किस चीज का ज्ञापन दे रहे हैं? एक्चुअली में क्या है, शहर एवं शहर के आसपास के ग्रामीण परिक्षेत्र में अनर्गल इवेंट का प्रोग्राम कई जगह आयोजित किया गया है। तत् संबंध में जो राष्ट्र की संस्कृति को प्रभावित करने वाले पश्चात संस्कृति को लेकर कई प्रकार के प्रोग्राम आयोजन हुआ है, जिसका हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर विरोध करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन देने आए हुए थे यहाँ। और उनके खिलाफ जो इस प्रकार के इवेंट, अनर्गल इवेंट का प्रोग्राम रखे हैं, उनका घोर निंदा करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उस प्रकार के इवेंट पर रोक लगाने का मांग कर रहे हैं हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मांग किए और रोक लगाने के बात किए हैं। जो राष्ट्र की संस्कृति को प्रभावित करने वाले जो भी सेक्शन है, कानूनी कार्रवाई है, विधान के अंतर्गत जो कार्रवाई होते है उसके खिलाफ किया जावे। मैं हरी साहू, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री जगदलपुर। आज हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे और ज्ञापन देने भी आए हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण। तो अभी लगातार इवेंट के नाम से जो शहर एवं ग्रामीण में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो हमारे संस्कृति परंपरा का कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और उसमें कुछ गलत तरीके से गाना बजा के नशा करके जो रात भर नाचना, वो हमारे संस्कृति परंपरा में नहीं है, जिसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा करता है। हम ऐसे कार्यक्रम कराने वाले का भी हम विरोध करते हैं। उसी पे आज पुलिस प्रशासन से हमने आग्रह किया है कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसको पूर्ण रूप से बंद करवाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विषय में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रात को 11 बजे के बाद एकदम साउंड में नहीं चलाना है,
किंतु थोड़े एरिया में रात को 12 बजे तक चलेगा और उसमें बधाई देते हैं। उस चीज के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घर घर घूमेगा, शायद डीजे को भी तोड़ फोड़ भी कर सकता है अगर शासन प्रशासन नहीं करेगा तो। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं डीजे के मालिक ही होंगे, किंतु बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय का आदेश हिंदुस्तान में रहना है तो उसको पाल के रखना ही पड़ेगा और व्यवस्था बना के रखना ही पड़ेगा। कि एसडीएम साहब को अगर नॉलेज में नहीं है तो पूरा नॉलेज लेके परमिशन देना था, या नॉलेज में छुपाया हुआ है तो आज भी उनके पास कलम का ताकत है, कलम के ताकत से डीजे को रोक सकते हैं और रोकना चाहिए। वो नहीं रोकेंगे तो हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद रोकेंगे।